नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज का वीडियो फिर आप लोगों के द्वारा बीमार मुर्गियों के वीडियो भेजे गए, मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सर जी, मेरी मुर्गी है अभी 3 महीने की पूरी, मुझे 3 महीने की पूरी नहीं हुई अभी, 2 महीने के ऊपर से, पर ऐसे बीमार हो के मरे हो और ऐसे पैर नहीं ले रहे हो, वो नीचे गिर जा रहे हैं और सफ़ेद और पतली बीट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इधर, और हर दिन एक दो मर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। जैसा आपने बताया कि एक दो मुर्गी हर दिन मर रही हैं, तो सबसे पहले आप पानी की जांच कराइए। जो पानी आप पिला रहे हैं प्लास्टिक की बोतल में भर के लेके जाएं लैब में और पानी में देखें कि कौन सी मात्रा कितनी है। दूसरी चीज़, बीमारी को पहचानना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले पहचानते हैं सिम्टम्स देख के, उसके आव भाव देख के, जब बीमार होना स्टार्ट होती है, उसके बाद जब स्टार्ट हो गई बीमार होना तो बीट कैसी कर रही है, और जब मर गई तो पोस्टमार्टम करके। ये तरीके होते हैं, तो अभी आप वेटनरी वाले डॉक्टर के पास जाएँ, पोस्टमार्टम करवा के चेक करें कि कहाँ खराबी है और बीमारी कौन सी है, उसकी वो मेडिसिन दे देंगे। और पानी की जांच अवश्य करवा लीजिएगा। एक बच्चे ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये वीडियो डाला, बहुत गौर से वीडियो देखिएगा, आप भी भ्रमित हो जाएंगे। ये देखिए, मुर्गी का गर्दन झटकना देखें, और यही गर्दन झटकना उसने भी समझा, जबकि मुर्गी को गर्दन नहीं झटक रही है, वो उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। नीचे उसने लिखा कि सर, इसका CRD का ट्रीटमेंट 1 वीक पहले किया, उसके बाद से ये ऐसा हुआ है, बीट कम कर रही है, थोड़ी पतली कर रही है। अब यहाँ कमाल ये है कि जो गर्दन टेढ़ी हुई है, गर्दन मुर्गी की खसक के पीछे चली जाती है और मुर्गी सामने लाने की कोशिश करती है, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसको बहुत सारे लोग क्या समझ लेते हैं कि मुर्गी गर्दन झटक रही है। गर्दन मुर्गी कैसे झटकती है, मैं अपने पास का वीडियो डालता हूँ, ये वाला देखिएगा। तो ऐसा होता है जब मुर्गी को सर्दी हो जाती है, तब वो गर्दन झटकती, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अक्सर यही होता है जब मुर्गी को खांसी चलती है, तब भी मुर्गी इसी प्रकार से गर्दन झटकती है। तो किसान क्या करता है, किसान तुक्केबाजी अंदाज लगाता है कि ये क्या हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर बीमारियों में कुछ बीमारी आ जाती है तो CRD पहले ही आ जाता है कि जरा ही गर्दन सर्दी खांसी लगी तो उनको भैया CRD का इलाज करना स्टार्ट कर दिए। तो 1 सप्ताह तक वो बच्चे ने CRD का इलाज चलाते रहा, जबकि वो CRD नहीं है, वह विटामिन ई की कमी से गर्दन घूम गई है। तो ये होता है, अब क्या कर सकते हैं भैया। इसके बाद एक वीडियो और आया जिस पर आवाज़ नहीं थी, मगर इस पर दिखाने की कोशिश की कि इस मुर्गी को हुआ क्या है। तो आप देखिएगा कि चेहरे पर, चोंच पर, लटकन पर, सारे शरीर पर, पीठ पर, और यकीन जानिए कि दोनों पैर के बीच में नीचे भी बहुत छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे दाने बड़े भी हो गए हैं। ये फाउल पॉक्स की बीमारी में होता है भैया। फाउल पॉक्स का 6वें सप्ताह में वैक्सीन होता है, और उन्हीं मुर्गियों में दूसरी बार फिर 14वें सप्ताह में भी होता है। तो वैक्सीन किया करें, और इलाज के वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको बीमारी का नाम पता चल गया और यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो 1000 वीडियो आ जाएंगे जी, मेरे चैनल के नहीं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो अगर आप इसी तरीके के वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लाइक करके आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू।